तो भाइयों आज हम जानने वाले हैं कि आप व्यायाम करते हैं तो आपको व्यायाम में ऐसी कौन सी गलती है जो कि नहीं करनी चाहिए। व्यायाम करने के बाद ऐसी 3 आदत हैं जिसको आपको कभी भी नहीं करना है। अगर आप व्यायाम के बाद ये 3 गलतियां करते हैं तो आपके शरीर का संतुलन बिगड़ जाएगा, इससे आपके शरीर को हानियां होंगी और हो सकता है कि इससे आपको बुखार भी चढ़ सके। इसलिए आइए उन 3 गलतियों में से आइए शुरुआत करते हैं नंबर 3 से। नंबर 3 पर है कि अगर आपका व्यायाम समाप्त हो गया है तो आपको तुरंत रेस्ट नहीं करना है। इसको एक उदाहरण से समझे कि मान लो कि ट्रेन बहुत तेज रफ्तार से चल रही है और तुरंत ही ट्रेन में एक स्पीड ब्रेक लगा दिया जाए तो क्या होगा? तो ट्रेन में बैठे सभी पैसेंजर का संतुलन बिगड़ेगा, उनको धक्का लगेगा, उनको चोट भी लग सकती है। ठीक यही एग्जांपल अगर हम अपने शरीर में फिट करें कि आप व्यायाम कर रहे हैं और व्यायाम करते करते आपकी सांस फूल रही है, आपकी सांस तेज तेज चल रही है और एकदम से ही व्यायाम करने के बाद आप बैठ जाएं या रुक जाएं, तो इससे हमारे शरीर के ओवरऑल पूरे हर एक सिस्टम पर इफेक्ट पड़ता है। मेन इसमें हमारा हार्ट है, यानी कि सबसे ज्यादा दबाव हमारे हृदय पर पड़ता है। चलो एक दो बार चल जाता है ठीक है, लेकिन हर बार कर रहे हैं तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होगा, क्योंकि एक दो बार करने से हमारे शरीर को इतनी हानि नहीं होगी, हमारा शरीर झेल लेगा। लेकिन बार बार कर रहे हैं तो ये शरीर के लिए हानिकारक है, क्योंकि परमात्मा ने हमारा शरीर ऐसा ही बनाया है, एक दो बार करने से ये शरीर झेल लेगा, लेकिन अगर बार बार कर रहे हैं तो शरीर का सत्यानाश होगा। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे नियम पर, जो है कि व्यायाम करने के तुरंत बाद नहाना। आपको पता है कि व्यायाम करने से हमारे शरीर में गर्मी पैदा होती है, तो गर्मी के बाद अगर हम तुरंत पानी डाल लें, अगर हम अग्नि में पानी डाल दें तो अग्नि शांत हो जाएगी। और ऐसा अगर आप एक दो बार कर रहे हैं तो कुछ नहीं, लेकिन ऐसा अगर आप बार बार कर रहे हैं तो ये आपको बुखार कर देगा, क्योंकि व्यायाम के बाद बार बार नहाने पर हमारा शरीर ठंडा होने लगता है और शरीर अपने आप को फिर ऐसे में गर्म करेगा, और जब बुखार चढ़ता है तब भी हमारा शरीर गर्म ही होता है। हालांकि जब बुखार आता है तब ऐसा समझे कि हमारा शरीर पुरानी गलतियों को रिकवर कर रहा है। कई लोग इसको रोग समझ लेते हैं और मेडिकल से एक गोली लाकर उसको शांत कर देते हैं। अगर आपको बुखार चढ़ रहा है 2-3 दिन तक चढ़ा है तब वो नॉर्मल है, ठीक ये स्थिति सही है, लेकिन अगर आपको बुखार चढ़ा है और 15 दिन तक चढ़ा है, 2 हफ्ते हो गए बुखार शांत नहीं हो रहा, तब वो स्थिति गलत है। इसलिए अगर आपने व्यायाम कर लिया है तो कम से कम आपको आधे घंटे रुकना है, और व्यायाम करने के बाद जब आप नहाने जाए तो उसके पहले आप थोड़ी सी पेशाब कर लें। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप वेग लगाकर पेशाब कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं जितनी आए उतनी करें। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जो है कि व्यायाम के तुरंत बाद कुछ खा लेना या व्यायाम करने के तुरंत बाद कुछ पी लेना। मतलब व्यायाम के बाद कुछ भी खाओ या पियो वह हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। व्यायाम के बाद जो सबसे मेन चीज है वो होता है पानी, लेकिन पानी भी तुरंत बाद नहीं, थोड़ी देर बाद। अब आप पूछेंगे कि कितनी देर बाद? 15-20 मिनट बाद ठीक है। अगर व्यायाम के बाद सबसे उत्तम चीज लेने के लिए बताएं तो वो है गाय का दूध, गाय नहीं तो भैंस का दूध, लेकिन 15-20 मिनट बाद, तुरंत बाद नहीं, क्योंकि व्यायाम करने के दौरान हमारे शरीर का पूरा जो खून है वो पूरे शरीर में घूमता रहता है। या कई व्यक्ति तोड़ तोड़ कर व्यायाम करते हैं, यानी कि एक दिन लेग, एक दिन चेस्ट, एक दिन बैक, मतलब ऐसे तोड़ तोड़ कर व्यायाम करते हैं। तब मान लो कि कोई व्यक्ति एक दिन चेस्ट का व्यायाम करता है, मतलब छाती का व्यायाम करता है, तब व्यायाम करने के दौरान उनका खून का संचार छाती पर रहेगा, मतलब छाती की ओर ज्यादा रहेगा। तब ऐसे में अगर व्यायाम के तुरंत बाद कुछ खा लिया जाए, यानी कि पेट में कुछ डाल दिया जाए, तब हमारा खून का संचार पेट की ओर हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि व्यायाम के 15-20 मिनट बाद ही कुछ खाएं या पिएं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपने वीडियो यहां तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।